ए बहू, बेटे बहू, एक पानी का गिलास जाना बहू। बेटे बहू, एक पानी का गिलास लाइए। हाँ हाँ लाती हूँ लाट साहब के लिए, मुझे और तो कोई काम है नहीं, सारा दिन इनकी नौकरानी बन के रहो, पता नहीं कब मरेगा और कब इससे छुटकारा मिलेगा। ये ले पानी, रो मत, पानी पी ले। अरे छन्नो, जरा मेरे लिए एक कप चाय लेके आना। अभी लाती हूँ जी। और सुन, आपकी बापू से क्या बात हुई? वही हुआ जो रोज होता है, सारी रात खस खस खस, तंग आ चुकी हूँ मैं इस बुड्ढे से। अरे इतना गुस्से मत रहा कर तू, जैसे भी होता है ना अपना टाइम पास कर, आई बात समझ में? मुझे नहीं पता, या तो अब इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगी, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे सोचता हूँ मैं कुछ, चुप हो जा तू। चल ऐसा करता हूँ, मैं कल बुड्ढे को अनाथ आश्रम छोड़ आता हूँ, अब तो खुश? हाँ खुश। बापू, ओ बापू। हाँ बेटा। बापू आप 10 बजे रेडी हो जाना, मैं आपको आज घुमाने लेके जाऊंगा। रेडी ना रेडी हो बेटा, मन्ना के टू बादनी से कितने जगह घुमा के लाऊंगा बापू तेरे को, मैं भी चलकर तैयार होता हूँ, ठीक है बापू? ठीक से बेटा। चन्नो, ओ चन्नो, तू ऐसा कर, बापू के जितने भी कपड़े हैं ना सब एकदम बांध के रेडी कर दे, मैं बापू के लेके जा रहा हूँ। वो तो जी मैंने कब से बांध के रखे हुए हैं। ठीक है, कहाँ पड़े हैं? वो पड़े। ओ बापू, बेटा उठिए, आपको घुमाने ले चलूं। यो कौन सा टाइम से घूमने का? आज मैं तेरे को अच्छी अच्छी जगह घुमा के लाऊंगा। जूते पहन लो। यो सांस भी कोनी टिकता। राम राम भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब, बोलो। भाई साहब, मैं ये बापू को कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसका ख्याल रखना। कोई बात नहीं है भाई साहब, ये इसी की तो जगह है, चाहे जितना दिन रहे। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूँ, और ये बापू के कपड़े हैं, आप संभाल के रखिएगा। हाँ ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। हाँ छोड़ आया। अभी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ।
राम राम भाई साहब, राम राम। भाई जी राम राम, राम राम। और क्या हाल है भाई साहब? मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो भाई जी। जिस दिन से बापू को मैं यहाँ छोड़ के गया हूँ, मैं एक दिन भी चैन से नहीं सो पाया। और मैं जब यहाँ बापू को छोड़ने आया तो आपने मेरे को पूछा तक नहीं और बापू को यहाँ रख लिया। भाई जी मैंने तो इसलिए नहीं पूछा, ये जो है ना ये अनाथ आश्रम है उन्हीं के तो सारे चलता है। वो कैसे भाई साहब, मैं कुछ समझा नहीं। देखो भाई जी, उन्होंने 20 साल पहले यहाँ से एक बच्चा गोद लिया था और उसके बदले उन्होंने ढेर सारी दौलत इस आश्रम में दी थी। उस दिन से ये आश्रम उसी दौलत के सहारे से चल रहा है। पर भाई साहब बापू है कहाँ? भाई रो मत, तुम्हारा बापू वो सामने बैठा बो रहा। बापू बापू मुझे माफ कर दे बापू, बापू 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 बापू, आपने मेरे लिए क्या किया और मैंने आपके लिए क्या किया? बापू आपका ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? बापू बापू उठ बापू, हे भगवान मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बापू।